ये देखिए क्लाउड नीचे आ रखे हैं, देखिए ना कितना ज्यादा ब्यूटीफुल एरिया है। ये रहा जी आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, पर दक्षाई का एक लौता बहुत ही ब्यूटीफुल सा कैफे है, ये देखिए कैफे। सत श्री अकाल एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम फिर एक नया व्लॉग लेके आए आपके लिए। वेलकम टू दक्षाई कैंटोनमेंट, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, दक्षाई पब्लिक स्कूल। तो जी आज हम आपको दिखाने लेके आए हैं दक्षाई इन मॉनसून। ये देखिए क्लाउड्स नीचे आ रखे हैं, प्रॉपर रोड पर क्लाउड्स ही क्लाउड्स, नीचे भी इतने क्लाउड्स नहीं क्योंकि दक्षाई माउंटेन टॉप पर है। तो देखिए कितने ज्यादा क्लाउड्स आए हुए हैं, विजिबिलिटी काफी कम है। जरावर सिंह मजा आ गया, ब्यूटीफुल उतर के ना वॉक करन दा दिल कर रहा है। अच्छा ऐसा लग रहा है कि आपा बदला च वॉक कर रहे हैं। बिल्कुल लोग कर भी रहे, देखो देखो कर रहे हैं। वेरी नाइस। देखिए ना कितना ज्यादा ब्यूटीफुल एरिया है। जब भी हम इस रूट पर आते हैं जोरावर का पक्का होता है कि डैडा मैंने दक्षाई भी राउंड मार के जाना है, और आज तो वाकई में दक्षाई आना एकदम वसूल हो गया क्योंकि जो मौसम यहाँ का हो रखा है, देखिए विजिबिलिटी कितनी ज्यादा कम हो गई क्योंकि क्लाउड्स नीचे आ गए हैं पूरे। वाओ सो ब्यूटीफुल, जरूर मजा आ गया यार। और कैमरा में तो बहुत ज्यादा क्लियर दिख रहा है रास्ता कंपैरेटिवली। हाँ जी, हमें नहीं इतना दिख रहा और हमें तो मजा ही आ रहा है बस। हम जो देख पा रहे हैं ना, हमारे लिए सच में विजिबिलिटी काफी कम है, कैमरा भी फिर भी थोड़ा क्लियर विजन दे रहा है। जो विजिबिलिटी कैमरा में है ना उससे 20-30% विजिबिलिटी कम ही है, आप ये समझ के चलो। यस, ये साइड्स में कुछ दिख ही नहीं रहा, जो साइड वाली खाई है। हाँ बिल्कुल नहीं दिख रही। वाओ ऐसे लग रहा है जैसे नहीं हम स्वर्ग में आ गए है ना। ये देखिए लोग भी एंजॉय कर रहे हैं। और ज्यादा हाइट पर होने की वजह से यहाँ का टेम्परेचर भी हमेशा कम ही होता है, और कुछ टाइम पहले यहाँ पे बारिश भी हो गया थी क्योंकि सड़कें गीली है, आप देख सकते हो। तो इतने क्लाउड नीचे आए हुए हैं तो बारिश तो कभी भी हो सकती है। तो जी हम ऊपर पहुंच गए हैं मेन दक्षाई में, यहाँ से करते हैं एंटर। ये एंट्रेंस गेट आर्मी पब्लिक स्कूल का। ये रहा जी आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई। जरूर सिंह ऊपर देखो, बिल्डिंग्स ओल्ड बिल्डिंग्स। क्योंकि दक्षाई रूटीन में समर में भी आते हैं हम, तो इतना ज्यादा ग्रीन और इतना ब्यूटीफुल लगता है, तो मॉनसून में तो सोचिए ना आप, यहाँ की ब्यूटी और दोगुनी हो जाती है। डैडा को जेल म्यूजियम आ गया। हाँ जी, दक्षाई मिलिट्री जेल एंड म्यूजियम 1849 दी बनी हुई है। तो ये जी दक्षाई जेल म्यूजियम, यहाँ के टाइमिंग्स है मॉर्निंग 9:30 टू 12:30 एंड इवनिंग 3 PM टू 5 PM एंड मंडे क्लोज।
हाँ जी, और इस जेल म्यूजियम को भी मैंने प्रॉपर डेडिकेटेड व्लॉग बनाया हुआ है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो कुछ इस तरह से जेल अंदर से, या ये ग्रेवयार्ड भी अगे उधर। पता नहीं, हाँ जी देखिए ग्रीनरी और ज़्यादा बढ़ चुकी है मानसून की वजह से। और यहाँ जेल म्यूजियम की ये पार्किंग है, और बस यहीं पर सामने ना यहाँ रिफ्रेशमेंट के लिए दो शॉप्स हैं, एक सरदार जी अंकल की और यहाँ भी एक शॉप है, यहाँ पे आप चाय कॉफ़ी कुछ पी सकते हो, स्नैक्स वैक्स खा सकते हो। ज़रूर देखो लेटर बॉक्स ओल्ड कितना ब्यूटीफुल है। यहाँ बहुत ही प्यारी सी सिटिंग बनी हुई है, यहाँ बैठते हैं, अंकल को मैं कॉफ़ी का ऑर्डर दे दिया है, यहाँ बैठते हैं। ये जेल म्यूजियम और साथ ही में अंकल की शॉप कम कैफे। हाँ जी बता। ओके, यहाँ आके ना बहुत दिल लगता है क्योंकि आर्मी कैंटोनमेंट एरिया है, यहाँ पे कोई भी मतलब कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आपको देखने नहीं मिलेगी। दक्षाई में एक दक्षाई का ओल्ड विलेज है, वो भी है तो नीचे की तरफ जाकर है, लेकिन ऊपर जो है ये सारा आर्मी कैंटोनमेंट एरिया है, तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शांति होती है, प्रॉपर डिसिप्लिन माहौल होता है, सफाई बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, और ज़्यादा हाइट पर होने से ठंड भी है बाकी एरिया के मुकाबले। और ये जो रास्ता नीचे की तरफ जा रहा है ये दक्षाई विलेज की तरफ जा रहा है, और इसका भी मैंने प्रॉपर डेडिकेटेड व्लॉग बनाया हुआ है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके चेक कर सकते हो। अंकल जी ले आए गर्मा गर्म कॉफी, बहुत प्यारे से स्वीट से अंकल है सरदार जी, अंकल यहीं विलेज में रहते हैं। वाह जी वाह, ब्यूटीफुल व्यू के साथ एंजॉय करते हैं शाम की कॉफी। नाइस, और मौसम भी थोड़ा ठंडा है, प्लेजेंट है ना, तो मज़ा आ रहा है कॉफ़ी पीने का भी। हाँ जी पुत, तुसी कुछ खाना पीना? नहीं। जूस पी लो। मैं अपनी बस च्युइंग गम खांदा। दिखाओ केड़ी है? हबा बाबा दी बबल गम है। हबा बाबा? हबा बाबा दी हबा बूबा दी बबल गम, लिक्विड बबल गम। हाँ जी। अच्छा डांस भी मैं डबल खोल रही हूँ। डबल आलो जोरावर सिंह आ गया, बबल गम मार लो बाइक। या कैब ला दे नू हबा बुबा नू। हाँ जी फिर कॉफी कितना? बहुत स्वाद, मजा आ रहा है। इतने जद मर्जी आ जो है ना। हाँ जी, बहुत दिल लगता है कॉफी पीने ना। हाँ, थोड़ा पारा हुआ है, ठीक हो गया। ये देखिए यहाँ से व्यू, व्यू पॉइंट, और व्यू देखिए आप नीचे क्लाउड्स, और नीचे उस तरफ है सारा बड़ोग। और ये व्यू पॉइंट देखो, इतनी फ्रेश हवा है कि हमने विंडोज ओपन कर दी अपनी कार की, और फ्रीजिंग कोल्ड प्रॉपर अच्छी खासी हवा चल रही है ना। हाँ जी, कैसे लग रहा है? एसी लगाया हुआ हमने जबकि एसी बंद है और विंडोज ओपन है। यस, और ये देखिए दक्षाई की ब्यूटी, जंगल ही जंगल चारों तरफ, पेड़ ही पेड़, बीच में से रोड। देखिए ना
हाँ लेफ्ट साइड तो वही आना है। यहाँ से स्ट्रेट जाकर है जी दक्षाई पब्लिक स्कूल, ये देखिए बोर्ड भी लगा है। और यहाँ पर दक्षाई का एक लौता बहुत ही ब्यूटीफुल सा कैफे है, ये देखिए कैफे सेरिया। देखिए कितना ब्यूटीफुल ये एरिया और ये कैफे। यहाँ भी छोटी सी मार्केट है दक्षाई में, और यहाँ से ऊपर की तरफ चर्च के लिए रास्ता जाता है। बहुत ही ब्यूटीफुल चर्च है सेंट पैट्रिक्स चर्च। ये देखिए इतने ज्यादा डेंस फॉरेस्ट है, ये इतने ज्यादा ट्रीज है यहाँ पर कि अभी दिन ढला भी नहीं अच्छी तरह से, लेकिन काफी अंधेरा लग रहा है यहाँ पर ट्रीज की वजह से। ऊपर भी एक चर्च है, बहुत ही ब्यूटीफुल चर्च है ये भी। इसको तो मतलब ज्यादा रेनोवेट भी नहीं किया, तो ऐसे लगता है कि उसी जमाने में जिस तरह से इसका डेकोर होगा बिल्कुल वही है, कोई छेड़छाड़ नहीं की गई चर्च के साथ। और ये भी 125 साल पुराना ये चर्च भी, और तब जैसे बना था ना समझ लो आज भी वैसे ही है। थोड़ा बहुत बस पेंट हो जाता है कभी कभार कुछ सालों बाद, अदरवाइज कोई ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की गई, तो बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट तो रेनोवेट करके उस जगह की ब्यूटी हम खराब ही कर देते हैं। बस मेंटेन करना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि इसकी पूरी रूप ही बदल दो, ओरिजिनलिटी खत्म कर दो। ये भी गोल्डन की प्राइमरी स्कूल है यहाँ पर। जब हम आए थे इस रास्ते पर क्लाउड्स ही क्लाउड्स से भरे हुए थे, अभी क्लाउड्स नीचे की तरफ चले गए। अगर आप देख सको तो वो देखिए क्लाउड्स नीचे वैली की तरफ चले गए। ये देखिए क्लाउड सारे नीचे की तरफ चले गए जो ऊपर थे रोड पर। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है तब भी नजारा। तो ये था आज का हमारा दक्षाई का व्लॉग। आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और अगर तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। और देन थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लव यू, टेक केयर, बाय बाय।